आपके यूट्यूब चैनल फिनॉइज पे। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर जो है अभी बहुत ज्यादा चर्चे में आ रहा है। एक दिन में देखेंगे तो शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत डाउन हुआ है। यहाँ पे कंपनी में इतने सारे अपडेट्स आए हैं RVNL को लेके, जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग बाई पैटर्न बन सकता है बहुत ही जल्दी। इस वीडियो में RVNL को लेके क्या अपडेट आया है, इसके Q2 24 का क्या अपडेट, मतलब माफ कीजिए Q2 25 का जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको लेके क्या अपडेट है, कंपनी में ऐसा क्या चल रहा है और प्रमोटर्स की ओर से क्या चल रहा है RVNL को लेके, प्रमोटर्स की ओर से बोल सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं RVNL को लेके जो कंपनी को बहुत ही जबरदस्त मजबूत बना सकता है, और टारगेट प्राइस क्या है जो कि एक मेन बात रहता है कोई भी शेयर का, कि इसका टारगेट प्राइस मतलब कितना तक ये शेयर पहुंच सकता है, ये सारे डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बन रही कैपे स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। देखिए RVNL का जो शेयर है अभी देखेंगे तो टेक्निकली उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है RVNL का शेयर, शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत डाउन हो रहा है। कंपनी में इतने कुछ अपडेट्स आए हैं जो बोल सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर दोस्तों 550-600 तक भी पहुंच सकता है, शायद से क्योंकि ऐसा हम लोग का मानना है। जरूरी नहीं कि आपको जो है आप एक टारगेट प्राइस दिया जा रहा है, इस आगे जो है देखेंगे कि कुछ दिग्गज ने जो है RVNL के शेयर को लेकर एक टारगेट प्राइस दिया है। अभी टेक्निकली जो है ये शेयर बोल सकते कि जो है कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन RVNL का 1.10 trillion का जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं 0.4% है। कंपनी का जो बोल सकते कि फिलहाल जो है इसका Q2 25 का जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि कंपनी 14 November 24 को डिक्लेयर करने वाला है। 14 November 24 को कंपनी इसका Q2 25 का जो इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे शेयर करेगा, जहां पे हो सकता है कि कंपनी का कुछ प्रॉफिट वगैरह देखने को मिले। डिविडेंड जो है कंपनी का आप देख सकते हैं यहाँ पे जो RVNL एक अच्छा खासा डिविडेंड फिलहाल दे रहा है। टेक्निकली शेयर जो है एक सेल पैटर्न बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकली जो शेयर एक सेल पैटर्न बनाया है। शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है जो कि फिलहाल RVNL के शेयर को लेके एक न्यूट्रल लेवल पे है, मतलब न्यूट्रल पैटर्न जो है फिलहाल अभी बना रहा है RVNL का। कंपनी को लेके जो RVNL का अपडेट आया है वो समझते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अपडेट है RVNL को लेके, तो पहले जो एक बहुत ही मतलब बोल सकते कि जो इम्पोर्टेंट अपडेट है RVNL का वो पहले देखते हैं। तो रेल विकास निगम लिमिटेड जो है यहाँ पे एक नया सब्सिडरी फॉर्म किया है, जो है होली ओन सब्सिडरी जो कि सऊदी अरबिया में ये सब्सिडरी इसने ओपन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे RVNL हैज इनकॉर्पोरेटेड ए होली ओन सब्सिडरी इन सऊदी अरबिया नेम्ड कंपनी जो कि रेल विकास निगम ऑन October 18 अकॉर्डिंग टू ए फाइलिंग। तो कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज फाइलिंग में जो है ये शेयर किया है कि इसने जो एक नया बोल सकते कि जो एक सब्सिडरी कंपनी होली ओन सब्सिडरी वो शुरू किया है। RVNL का जो टारगेट प्राइस यहाँ पे दिग्गजों ने दिया है जो कि एक बहुत ही जबरदस्त बोल सकते कि टारगेट प्राइस दिया है यहाँ पे RVNL के शेयर को लेके, कंपनी में इतने सारे अपडेट्स आए हैं जिसका बोल सकते कि जो है शेयर मार्केट में एक बहुत ज्यादा जो है इम्पेक्ट पड़ा है। फिलहाल शेयर का प्राइस अभी जो डाउन हुआ है हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे जो है शेयर फिलहाल अभी सेल करना चाहिए। अगर किसी ने थोड़ा ज्यादा प्राइस में लेके रखा है ये शेयर को तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के शेयर में एक तेजी वगैरह बने। कंपनी के जो कुछ प्रॉन्स हैं वो यहाँ पे देखते हैं। तो कंपनी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड सॉलिड सेल्स जो कि रिफ्लेक्टिंग इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जो डिमांड्स हैं वो बढ़ रहा है, तो कंपनी का यहाँ पे जो जबरदस्त सेल्स हुआ है RVNL का। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है RVNL में, जहाँ पे 72.84% जो है रिफ्लेक्टिंग जो है कॉन्फिडेंस फ्रॉम मेजर स्टेक होल्डर्स इन द कंपनीज फ्यूचर। यहाँ पे प्रमोटर्स ने एक अच्छा खासा स्टेक जो है रखा है RVNL में। कुछ कॉन्स को लेके बात करते हैं इसका, जहाँ पे कंपनी जो है हाई PE रेशियो में सजेस्ट दैट द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड कंपेयर टू इट्स अर्निंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे समझिए RVNL का सेल्स वगैरह यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो है कंपनी का जो PE रेशियो है जो कि हाई है, तो ये सजेस्ट करता है कि RVNL के जो शेयर है जो कि ओवर वैल्यूड है कंपेयर टू अर्निंग्स पोटेंशियल। कंपनी जी यहाँ पे देख सकते हैं द एब्सेंस ऑफ सब्सटेंशियल डिविडेंड यील्ड 0% में डिटर
जो बोल सकते कि इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर सीकिंग रेगुलर रिटर्न्स। कंपनी के यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे बीटा जो है लगभग 1.48 इंडिकेट्स हायर वोलेटिलिटी कंपेयर टू द बॉर्डर मार्केट व्हिच कुड पॉज रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे आरबीआई के में देखेंगे तो कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है, वो भी यहाँ पे समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ रिकमेंडेशन जो है या फिर बोलते हैं कि जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई तब आरबीआई के शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट एनालिस्ट जो है वेरिड ऑप्शंस रिगार्डिंग आरबीआई स्टॉक परफॉर्मेंस। एनालिस्ट एस्ट मोतीलाल ओसवाल रिकमेंडेड ए बाई सिटिंग स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ड्राइवन बाई इंक्रीजिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल या फिर कोई भी अगर देखेगा आरबीएल के मतलब कंपनी को थोड़ा रिसर्च करेगा तो आप देख पाएंगे कि कंपनी जो देखेंगे कि कंपनी जो यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो फंडामेंटली स्ट्रांग है मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग आरबीएल का शेयर देख रहे हैं तो बहुत ही एक बढ़िया मौका है डीप में इस शेयर को खरीदने का। आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो है यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट सजेस्ट होल्डिंग शेयर्स ड्यू टू कंसर्न ओवर हाई वैल्यूएशन मैट्रिक्स बट एक्नॉलेज दैट एनी पॉजिटिव न्यूज रिगार्डिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स कुड एनहांस इन्वेस्टर सेंटीमेंट। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के शेयर का प्राइस थोड़ा डाउन हो रहा है, मतलब आरबीएल के शेयर का प्राइस थोड़ा डाउन हुआ है। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज आए, जैसे कि अभी जो एक पॉजिटिव न्यूज आया है कि सऊदी अरेबिया में जो इसने एक नया होल्डी ओन सब्सिडरी ओपन किया है, ऐसे कुछ पॉजिटिव अपडेट्स आएगा न्यूज आएगा तो शेयर का प्राइस जो है तेजी बना सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करेंगे तो ही सही रहेगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी जहां पर रिसर्च रिपोर्ट्स जो कि एक्सिस कैपिटल हाईलाइट दैट व्हाइल करंट वैल्यूएशंस आर अपेलिंग आरबीएनएल फोकस ऑन एक्सपेंडिंग इट्स सर्विस ऑफरिंग्स लीड टू सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म गेन्स। फाइनेंशियल एनालिस्ट फ्रॉम इक्विटी पंडित जहां पर सेट शॉर्ट टर्म टारगेट जो कि 460 बेस्ड ऑन द ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। तो यहाँ पे देखिए ऐसे बहुत सारे टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है आरबीएनएल को लेके। ज्यादातर अगर देखते हैं टारगेट प्राइस जो है आरबीएनएल का अगर देखते हैं तो टेक्निकल बेसिस में नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल बेसिस में यहाँ पे फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन देख के लिया गया है। अभी यहाँ पे देखते हैं अभी जो है आरबीएनएल का शेयर जो है जो कि 472 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक इज एक्सपीरियंस रिमार्केबल ग्रोथ ओवर द पास्ट ईयर राइजिंग 236% फ्रॉम इट्स 52 वीक लो प्राइस जो कि 142.10 रिकॉर्डेड ऑन दिसंबर। तो अभी यहाँ पे हाउएवर दिस सर्च हैज लीड टू कंसर्न अबाउट हाई वैल्यूएशंस एज द स्टॉक प्राइस टू अर्निंग्स जो कि पीई रेशियो जो है 1069.0 टू सिग्निफिकेंटली हायर देन सेक्टर एवरेज। तो यहाँ पे कंपनी का जो पीई रेशियो है जो कि सेक्टर एवरेज से ज्यादा है एंड यहाँ पे देखेंगे तो जो कि सेक्टर एवरेज है 42.14। तो यहाँ पे एक हाई रिस्क शेयर बोल सकते हैं आरबीएनएल का है। अभी एक्सपेक्टेड जो टारगेट प्राइस दिया गया है आरबीएनएल को लेके दोस्तों जो कि शॉर्ट टर्म टारगेट दिया गया है आरबीएनएल का क्लोज अबाउट 520 इट कुड रीच 578 इन द नियर टर्म। द एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग रेंज बिटवीन 465 एंड 545 फॉर द शॉर्ट टर्म। तो कंपनी का जो यहाँ पे आरबीएनएल को लेके जो एक टारगेट प्राइस दिया गया है जो कि 520 रुपीज का है, मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं तो 578 तक भी ये जो है शेयर पहुंचे, 578 रुपीज तक भी ये शेयर पहुंचे और शेयर जो है लगभग 465 से लेके 545 के बीच में जो है एक रेंज बना के फिलहाल चल सकता है। देखेंगे तो पीएस जो शेयर्स है पिछले एक साल में एक जबरदस्त रिटर्न दिया है जो कि 100% जो है रिटर्न दिया है। कोचिन शिपयार्ड, रेल विकास निगम लिमिटेड जो कि आरबीएनएल है, एनवीसीसी इंडिया, आईएफसीएल, भारत डायनामिक्स, ये सब कुछ कंपनीज है पीएसयू के जो कि एक साल में देखेंगे तो 100% के आसपास जो इसने रिटर्न दिया है। पीएसयू स्टॉक विथ हायर रिटेल होल्डिंग्स की बात करते हैं तो आरबीएनएल जो है आरबीएनएल में देखते तो इंस्टीट्यूशनल जो होल्डिंग्स है 11.38% एंड रिटेल होल्डिंग्स जो है 13.64%। तो पीएसयू में ऐसे कुछ कंपनीज है जिसमें रिटेल शेयर होल्डर्स जो है बहुत ही जबरदस्त रिटर्न कितना दिया है आरबीएनएल ने एक साल में 186% के आसपास। मजगांव डॉक की बात करते 2.46 जो है इसमें इंस्टीट्यूशनल बोल सकते कि जो स्टेक है और रिटेल जो है 10.6 है, 10.6% के आसपास है। कंपनी ने रिटर्न दिया है 112%। तो यहां पे अगर देखते हैं ये जो यहां पे बोल सकते कि जो डेटा देखने को मिल रहा है जहां पे पीएसयू में जो आरबीएनएल के शेयर में जो एक जबरदस्त रिटर्न देखने को मिला है पिछले एक साल में और कंपनी के जो है अगर देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहां पे बहुत ज्यादा है। दोस्तों हमें लगता है कि आरबीएनएल के शेयर में अगर किसी ने थोड़ा ज्यादा प्राइस में लेके रखा है तो होल्ड करेंगे तो आगे चल के हो सकता है कि शेयर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। आपको कैसा लगता है आरबीएनएल का शेयर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।